हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल स्टेशन। दिस इज चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग फ्रॉम एनसीईआरटी ऑफ क्लास 8। दिस इज एन इंट्रोडक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम चैप्टर में आने वाले सारे टॉपिक्स कंसेप्ट को पहले ही सीख लेंगे, फिर जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो उनको हम बिना किसी प्रॉब्लम के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर आर पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, ऑर्गेनाइजिंग डेटा, ग्रुपिंग डेटा, बार्स विद अ डिफरेंस जिसको हिस्टोग्राम ग्राफ बोलते हैं, सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। अब हम इन सब टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर गोइंग टू इंट्रोडक्शन टॉपिक्स, हम चैप्टर के बारे में कुछ समझ लेते हैं। चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग क्या होता है? यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज डेटा एंड सेकेंड इज हैंडलिंग। दोनों को अलग अलग समझेंगे। फर्स्ट वन इज डेटा। So what is data? A collection of numerical facts regarding to a particular type of information is called data. Means numerical facts का वो collection जो किसी एक particular type of information के लिए होता है उसको data बोलते हैं। For example, marks in mathematics obtained by 10 students of a class in an annual examination. यहाँ पर हमें एक class के 10 students के annual examination के mathematics के marks given है। 87, 58, 35, 80, 92, 63, 49, 72, 66 एंड 61। ये एक न्यूमेरिकल कलेक्शन है जो क्लास के 10 स्टूडेंट्स के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि दो स्टूडेंट्स के हमने मैथमेटिक्स के मार्क्स लिए हैं, दो के साइंस के, दो के इंग्लिश के और बाकी चार के किसी और सब्जेक्ट के लिए। नहीं, ये 10 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं और ये सब एनुअल एग्जामिनेशन के हैं। ऐसा भी नहीं है कि चार स्टूडेंट के तो हमने एनुअल एग्जामिनेशन के लिए लिए और बाकी छह के हाफ ईयरली के। नहीं, ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के हैं और एनुअल एग्जामिनेशन के ही हैं। बस इसी को बोलते हैं डेटा। नंबर्स का वो कलेक्शन जो किसी एक ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है उसको डेटा बोलते हैं। नाउ सेकेंड वर्ड है हैंडलिंग। इसके तो नाम से पता चल रहा है, हैंडलिंग मीन्स हैंडल। तो इस चैप्टर में बस हमें डेटा को हैंडल करना है। क्लियर? अब अपने इंट्रोडक्शन टॉपिक्स पे आते हैं। नाउ डेटा क्लियर है? डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स रिगार्डिंग टू एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। नाउ समटाइम्स डेटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू गिव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट इज रिप्रेजेंट। कई बार डेटा ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है और वो हमें क्लियर आइडिया देता है कि उसने क्या रिप्रेजेंट किया है। आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन इज पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ भी डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। नाउ पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स। पिक्टोरियल मीन्स पिक्चर। कोई डाटा पिक्चर से रिप्रेजेंट होता है तो उसे पिक्टोग्राफ कहते हैं। पिक्चर में हम कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। क्लियर? नाउ एक एग्जांपल है हमारे पास, चॉइस ऑफ फ्रूट्स बाय पीपल। यहाँ पर आपको लोगों की फ्रूट्स में क्या चॉइस है वो गिवन है। फ्रूट्स ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स। नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पर आपको पिक्चर की हेल्प से नंबर ऑफ पीपल गिवन है। एक हिंट भी है हमारे पास, वन सिंबल इज इक्वल टू 10 पीपल। ये जो एक सिंबल है ये 10 पीपल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स अगर हम ऑरेंज के लिए पीपल काउंट करते हैं कि कितने लोगों को ऑरेंज पसंद है, तो यहाँ एक सिंबल पे हम 10 पीपल काउंट करेंगे। अब हमें चेक करना है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऑरेंज पसंद है। यहाँ 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। सारी पिक्चर्स 10 पीपल्स को रिप्रेजेंट करेंगी। सो इट विल बी 10, 20, 30, 40। यहाँ पर ऑरेंज 40 पीपल्स को पसंद है। इसी तरह से हम मैंगो के लिए काउंट करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50। ये 50 हो गया है। 50 के बाद यहाँ पर हमें एक सिंबल गिवन है, लेकिन ये सिंबल इसके जैसा तो नहीं है, ये तो कुछ अलग है। अगर हम इस सिंबल को देखते हैं तो ये हमें इसका हाफ दिखेगा। पूरा सिंबल कुछ इस तरह से, इसका हाफ कर देंगे तो ये इस तरह से बचेगा। मीन्स ये सिंबल हाफ है। अब ये जो पूरा सिंबल है ये 10 पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हाफ कितने को रिप्रेजेंट करेगा? हम 10 का हाफ कर देंगे, 10/2 = 5। तो ये हाफ सिंबल जो है ये 5 पीपल्स को रिप्रेजेंट करेगा। 50 + 5 = 55। मैंगो कितने लोगों की चॉइस है? 55 पीपल्स। इसी तरह से आप एप्पल और ग्रेप्स के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पिक्टोग्राफ बेस पे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर हम पिक्टोग्राफ की हेल्प से दे सकते हैं। लाइक फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हुज चॉइस इज एप्पल। आपको बताना है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी चॉइस एप्पल है। एप्पल यहाँ पर है, एप्पल के आगे कितने पिक्चर्स हैं? 1, 2, 3, 3 पिक्चर है। एक पिक्चर 10 पीपल को रिप्रेजेंट करती है, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, 10, 20, 30। टोटल कितने पीपल है? 30। इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है। यहाँ पे पहले पिक्चर्स काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 3 पिक्चर्स हैं।
एक पिक्चर 10 पीपल को रिप्रेजेंट करती है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 30। इसका आंसर होगा देर आर 30 पीपल्स हूज चॉइस इज एप्पल। नाउ सेकेंड वन इज विच फ्रूट हैज द मिनिमम नंबर ऑफ चॉइस। आपको बताना है कि कौन सा फ्रूट ऐसा है जो सबसे कम लोग पसंद करते हैं। इसके लिए तो आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हम ये देख लेंगे कौन सा फ्रूट ऐसा है जिसके आगे सबसे कम पिक्चर है। इस वाले कॉलम में सिर्फ 2 पिक्चर है, कौन सा फ्रूट है? ग्रेप्स। तो इसका आंसर होगा ग्रेप्स। इसी तरह से और भी बहुत से क्वेश्चन का आंसर हम पिक्टोग्राफ की हेल्प से दे सकते हैं। पिक्टोग्राफ क्या होता है? ये डेटा को सिस्टमैटिक मैनर में ऑर्गेनाइज कर देता है विद द हेल्प ऑफ पिक्चर और सिंबल। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज बार ग्राफ। बार ग्राफ भी डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। क्या होता है बार ग्राफ? द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बार्स वेयर द लेंथ ऑफ बार्स आर इक्विवेलेंट टू द मेजर ऑफ डेटा आर नोन एज बार ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या होता है? ग्रुप डेटा की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। और पिक्चर कैसी होती है? इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स, और वो रेक्टेंगुलर बार्स वर्टिकल भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। एंड वेयर द लेंथ ऑफ बार्स आर इक्विवेलेंट टू द मेजर ऑफ डेटा, और यहाँ बार की जो लेंथ होती है ये मेजर ऑफ डेटा की इक्विवेलेंट होती है। मीन्स बार की लेंथ मेजर ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर। और बार ग्राफ की फिगर कुछ इस तरह से होती है। नीचे वाली लाइन होती है एक्स एक्सिस, और ये साइड वाली लाइन होती है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर सब्जेक्ट्स गिवन है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस। वाई एक्सिस पे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, 60। और यहाँ जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स हैं यही होते हैं बार। यहाँ पर जो बार हैं ये वर्टिकल बार हैं। हमें पता है कि इस तरह की जो स्टैंडिंग लाइन होती है ये वर्टिकल होती है, और इस तरह से जो स्लीपिंग लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है। तो बार किस फॉर्म में? हमारे स्टैंडिंग फॉर्म में, तो ये वर्टिकल बार है। और ये जो रेक्टेंगुलर बार्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। लाइक मैथ, इस वाले बार की लेंथ देखेंगे, बार की लेंथ कहां तक है? 30 तक। तो मैथ में उसके 30 मार्क्स हैं। साइंस की देखते हैं, बार की लेंथ कहां तक है? 50 तक। तो साइंस में उसके 50 मार्क्स हैं। इंग्लिश, ये वाले बार की लेंथ कहां तक है? 40 तक है। तो इंग्लिश में उसके 40 मार्क्स हैं। सोशल साइंस, बार की लेंथ देखेंगे कहां तक है? इस बार की लेंथ कुछ यहां तक है, 40 और 50 के बिल्कुल बीच में। 40 और 50 के बिल्कुल बीच में क्या होगा? 45। तो सोशल साइंस में उसके 45 मार्क्स हैं। बार की लेंथ से हमें पता चल जाता है कि एक स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। बार ग्राफ के लिए एक हाईलाइट पॉइंट है, इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। बार्स आर ऑफ इक्वल विथ विद इक्वल गैप्स इन बिटवीन। एक ग्राफ में चाहे कितने भी बार हो सबकी विथ इक्वल होनी चाहिए, और यहाँ बार के बीच में जो गैप होता है ये भी सब जगह इक्वल होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट बार ग्राफ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज डबल बार ग्राफ। जितने भी ग्राफ होते हैं वो सभी डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ डबल बार ग्राफ क्या होता है? अ बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली। वो बार ग्राफ जो डेटा की दो सेट्स को एक साथ शो करता है उसे डबल बार ग्राफ कहते हैं। इट इज यूजफुल फॉर द कंपेरिजन ऑफ द डेटा। डबल बार ग्राफ जो होता है वो नॉर्मली डेटा के कंपेरिजन के लिए यूज होता है। अब ये जो फिगर हम देख रहे हैं बस कुछ ऐसा ही होता है डबल बार ग्राफ। नीचे वाली लाइन एक्स एक्सिस होती है, ये साइड वाली वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे सब्जेक्ट गिवन है मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी। वाई एक्सिस पे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, 60। मैथ सब्जेक्ट पे दो बार है, एक में ब्लू कलर का शेड है, दूसरा प्लेन व्हाइट है। यहाँ पर एक हिंट गिवन है, ये जो ब्लू शेड वाला बॉक्स है ये 2005 और 2006 के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्लेन व्हाइट वाला जो बॉक्स है ये 2006 और 2007 के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस यहाँ पर डेटा के दो सेट्स हैं जिनको एक साथ एक ही ग्राफ में शो किया गया है, इसी को बोलते हैं डबल बार ग्राफ। और इसकी हेल्प से हम बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि किस ईयर में किस सब्जेक्ट के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, किसके डिक्रीज हुए हैं। लाइक अगर हम मैथ सब्जेक्ट की बात करते हैं तो एक स्टूडेंट के 2005-06 में 30 मार्क्स थे, 2006-07 में 60 मार्क्स हो गए। इसकी हेल्प से हम दोनों ईयर के मार्क्स को कंपेयर कर सकते हैं। 2005-06 में 30 मार्क्स थे, 2006-07 में 60 हो गए, उसके 30 मार्क्स इंक्रीज हो गए।
इसी तरह से हम सब सब्जेक्ट्स के मार्क्स को कंपेयर कर सकते हैं। साइंस के देखते हैं, साइंस के मार्क्स 2005-06 में 50 थे, 2006-07 में 55 हो गए, यहाँ पर 5 मार्क्स इंक्रीज हो गए। इंग्लिश के देखते हैं, इंग्लिश के मार्क्स 2005-06 में 50 थे, 2006-07 में 40 हो गए। इंग्लिश के मार्क्स कम हो गए, 2005-06 में 50 थे, 2006-07 में 40 हो गए, यहाँ पे 10 मार्क्स कम हो गए। हिंदी के देखते हैं, हिंदी के मार्क्स 2005-06 में 60 थे और 2006-07 में भी 60 है। हिंदी के मार्क्स दोनों ईयर में सेम है, ना बढ़े हैं ना कम हुए हैं। तो इस तरह से हम डेटा के दो सेट्स को एक साथ शो करके इजीली कंपेयर कर सकते हैं। यही होता है डबल बार ग्राफ। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट डबल बार ग्राफ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजिंग डेटा। क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग डेटा देखते हैं। यूजुअली डेटा अवेलेबल टू अस इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड रॉ डेटा। यूजुअली डेटा जो होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसको रॉ डेटा बोलते हैं। एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इज ब्रिंगिंग इट टुगेदर इन अ सिस्टमैटिक वे दैट मेक्स इट इजियर टू रीड। और उसी रॉ डेटा को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने को ऑर्गेनाइजिंग डेटा कहते हैं। जब हम रॉ डेटा को सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है उस डेटा को रीड करना और उस डेटाबेस पे किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना। नाउ यहाँ पर हमने एक डेटा कलेक्ट किया है, हमने एक क्लास के कुछ स्टूडेंट से उनके फेवरेट सब्जेक्ट पूछे, हम एक एक स्टूडेंट से पूछते गए और लिखते गए। लाइक फर्स्ट स्टूडेंट ने मुझे बोला कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट आर्ट है, तो मैंने आर्ट नोट किया। सेकेंड स्टूडेंट ने बोला कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, तो मैंने मैथ नोट किया। थर्ड स्टूडेंट ने बोला कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है, तो मैंने साइंस नोट किया। फोर्थ स्टूडेंट ने बोला उसका फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। सिमिलरली मैथ आर्ट इंग्लिश, मैथ इंग्लिश आर्ट साइंस साइंस मैथ, आर्ट इंग्लिश आर्ट साइंस मैथ साइंस आर्ट। इस तरह से हमने सारे स्टूडेंट्स से उनके फेवरेट सब्जेक्ट पूछे और सबको नोट कर लिया है। यहाँ हमने एक डेटा कलेक्ट कर लिया है, इस डेटा को बोलते हैं रो डेटा। क्यों? क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। अब हमें रो डेटा को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना है। नाउ रो डेटा को सिस्टमैटिक वे में अरेंज क्यों करना होता है? लाइक इस डेटाबेस पे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, हमसे पूछा गया है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फेवरेट सब्जेक्ट आर्ट है, या कौन सा सब्जेक्ट है जिसको सबसे ज्यादा स्टूडेंट लाइक करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हम रो डेटा की हेल्प से भी दे सकते हैं, लेकिन आंसर ढूंढने में हमें काफी प्रॉब्लम होगी। तो इसको इजी बनाने के लिए हम रो डेटा को सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर देते हैं। रो डेटा को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने के लिए एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट्स गिवन है, सब्जेक्ट लेंगे आर्ट मैथ साइंस इंग्लिश। यहाँ यही चार सब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं, कोई और सब्जेक्ट होता तो हम इसके साथ वो भी ले लेते। अब यहाँ से हम काउंट करेंगे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको आर्ट पसंद है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा 7। टोटल 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फेवरेट सब्जेक्ट आर्ट है। मैथ के लिए काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा 5। टोटल 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। साइंस के लिए काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इंग्लिश काउंट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। सो टोटल 4 स्टूडेंट हैं जिनका फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो इस टेबल की हेल्प से हम बता सकते हैं कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फेवरेट सब्जेक्ट आर्ट है। 7 स्टूडेंट्स हैं जिनका फेवरेट सब्जेक्ट आर्ट है। या आपसे पूछा जाए कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसको सबसे कम स्टूडेंट लाइक करते हैं, सबसे छोटा नंबर है 4, किसके लिए? इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सबसे कम स्टूडेंट लाइक करते हैं। नाउ टेलीमार्क फिल करेंगे। टेलीमार्क हमने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा है। आर्ट के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट है 7, 1, 2, 3, 4। 4 तक तो वर्टिकल लाइन बनाते हैं और 5 के लिए इस तरह से स्लाइडिंग लाइन बनाते हैं जो इन 4 लाइन को इंटरसेक्ट करती है। 5 हो गया, 6, 7। मैथ के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5, 1, 2, 3, 4, 5। साइंस के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट है 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इंग्लिश के लिए 4, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से हम टैली मार्क बनाते हैं। इस तरह से हम किसी भी रो डेटा को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करते हैं, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग डेटा। नाउ ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या होती है फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी गिव्स ए नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री ऑकर्स। फ्रीक्वेंसी बताती है कि एक पर्टिकुलर एंट्री कितनी बार रिपीट हुई है। लाइक यहाँ पे सब्जेक्ट है आर्ट, आर्ट इस डेटा में 7 टाइम रिपीट हुआ है तो आर्ट की फ्रीक्वेंसी है 7। सिमिलरली मैथ यहाँ पे 5 टाइम्स रिपीट हुआ है तो मैथ की फ्रीक्वेंसी है 5। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग डेटा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक।
नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुपिंग डेटा. क्या होता है ग्रुपिंग डेटा? व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लार्ज वी मे कंडेंस द डेटा इनटू सर्वर ग्रुप. मीन्स जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा होते हैं तो हम डेटा के कुछ ग्रुप बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल द मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आउट ऑफ 50. यहाँ पर हमने डेटा कलेक्ट किया है, इसमें एक क्लास के 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं आउट ऑफ 50. रो डेटा है, इसको ऑर्गेनाइज करना है जिससे आपको पता चलेगा कि 1 मार्क कितने स्टूडेंट्स के हैं, 2 मार्क कितने स्टूडेंट्स के हैं, 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं. तो ऑर्गेनाइज करने के लिए हम टेबल बनाएंगे. टेबल में मार्क्स लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to 50. अब 0 से 50 तक मार्क्स लेंगे तो टेबल बहुत बड़ी हो जाएगी, 50 कॉलम्स हो जाएंगे. तो टेबल को हम थोड़ा छोटा बनाएंगे कैसे? ऑब्जर्वेशन को ग्रुप करके. मार्क्स लेंगे हम 0 to 10. यहाँ पर हमें वो स्टूडेंट काउंट करने हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच के हैं. 0 मीन्स लेफ्ट साइड वाला जो नंबर होता है वो लोअर लिमिट होती है, एंड 10 मीन्स राइट साइड वाला जो नंबर होता है वो अपर लिमिट होती है. यूजुअली जब हम 0 से 10 तक के नंबर्स को काउंट करेंगे तो लोअर लिमिट तो इंक्लूड होगी लेकिन अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होगी. क्लियर? अब यहाँ से हम काउंट करेंगे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच के हैं. 8 है यहाँ पर, 1, 2, 3 बस 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच के हैं. तो यहां हमने लिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. नेक्स्ट इज 10 to 20. इसमें हम काउंट करेंगे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में. 10 काउंट होगा लेकिन 20 काउंट नहीं होगा. सो 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा 8. 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच हैं. नेक्स्ट इज 20 to 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच हैं. नेक्स्ट इज 30 to 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. नेक्स्ट 40 to 50. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 से 50 के बीच हैं. अब फ्रीक्वेंसी रो को हम ऐड करेंगे. 3 + 8 = 11, 11 + 14 = 25, 25 + 9 = 34, 34 + 6 = 40. नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है और फ्रीक्वेंसी रो को ऐड करके आंसर भी 40 मिला है. दैट मीन्स टोटल जितने भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन थे हमने सबको काउंट कर लिया है, कोई नंबर ऐसा नहीं है जो छूट गया हो. अब टैली मार्क बनाएंगे. 0 to 10 कितने स्टूडेंट के मार्क्स है? 3. 1, 2, 3. 10 to 20 कितने स्टूडेंट के मार्क्स है? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. नाउ 14 है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. नेक्स्ट इज 9. 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 से 40 के बीच है. इसके लिए टैली मार्क ड्रॉ करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. नेक्स्ट इज 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. क्लियर? इस तरह से बनाते हैं हम फ्रीक्वेंसी टेबल. और इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं इसमें लेफ्ट साइड वाले नंबर लोअर लिमिट होते हैं और राइट साइड वाले नंबर अपर लिमिट होते हैं. लोअर लिमिट इंक्लूड होते हैं, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होते हैं. लाइक 0 to 10, यहाँ पर 0 इंक्लूड होगा, 0 को काउंट करेंगे लेकिन 10 को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 9 तक काउंट करेंगे. 10 को यहाँ काउंट करेंगे सेकेंड कॉलम में 10 to 20 में. यहाँ पे 10 काउंट होगा, 20 काउंट नहीं होगा, सिर्फ 19 तक काउंट करेंगे.
कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिसमें हम अपर लिमिट काउंट करते हैं। जब अपर लिमिट काउंट होती है तो लोअर लिमिट काउंट नहीं होती, लाइक 0 से 10। यहाँ पे हम 10 काउंट कर लेंगे तो 10 को हम इस कॉलम में काउंट नहीं करेंगे, यहाँ 11 से स्टार्ट करेंगे। 11, 12, 13, 14 से 20 तक सारे नंबर काउंट होंगे लेकिन 10 काउंट नहीं होगा। सिमिलरली इस वाले कॉलम में 20 नहीं काउंट करेंगे, यहाँ पे 21 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? बस यही होता है ग्रुपिंग डेटा। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा होते हैं तो हम ऑब्जर्वेशन को ग्रुप कर लेते हैं, रो डेटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं टेबुलर फॉर्म में, और इस टेबल को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुपिंग डेटा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन इज बार्स विद अ डिफरेंस, हिस्टोग्राम। क्या होता है हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्राफ जो डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। ग्रुप डेटा कैन बी प्रेजेंटेड यूजिंग हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ बार डायग्राम वेयर द क्लास इंटरवल्स आर शोन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द हाइट ऑफ द बार्स शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। मींस ग्रुप डेटा कैन बी प्रेजेंटेड यूजिंग हिस्टोग्राम। ग्रुप डेटा को ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए हिस्टोग्राम का यूज होता है। हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ बार डायग्राम। हिस्टोग्राम एक तरह का बार डायग्राम ही होता है। वेयर द क्लास इंटरवल आर शोन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जहां पर क्लास इंटरवल हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस पे शो होती है, एंड द हाइट ऑफ द बार्स शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल, और जो बार की हाइट होती है वो क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी शो करता है। क्लियर? अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था ग्रुपिंग डेटा, वहां हमने रो डेटा से फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई थी, ये वही फ्रीक्वेंसी टेबल है। मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 42, 50। इस तरह से जो ग्रुप वाले नंबर होते हैं लाइक 0 to 10, 10 to 20, यही होता है क्लास इंटरवल। तो मार्क्स हो गए क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स फ्रीक्वेंसी 3, 8, 14, 9, 6। अब हम इस टेबल से ग्राफ बनाएंगे। जब हम रो डेटा से फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं तो डेटा को रीड करना इजी हो जाता है, और जब फ्रीक्वेंसी टेबल से ग्राफ बनाते हैं तो डेटा को समझना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। तो इस टेबल से ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स एक्स एक्सिस पे हमें क्लास इंटरवल लेना होता है। क्लास इंटरवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मार्क्स को, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो यहाँ पर नंबर मार्क करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। जब नंबर लाइन पे नंबर मार्क करते हैं तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ फर्स्ट पे हम जो भी नंबर लेंगे, लाइक हमने 10 लिया है, तो आगे सारे पॉइंट्स पे हमें इसकी टेबल रिपीट करनी है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, सारे नंबर्स में इक्वल गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ हमने 10 ले लिया, यहाँ 15 ले लिया, यहाँ 25 कर दिया, ऐसा नहीं। यहाँ 10 है, फिर 20, 30, 40, 50, 60 ही होना चाहिए। क्लियर? वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए नंबर मार्क करेंगे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। यहाँ भी हमने वही किया है, 2 से स्टार्ट किया है तो आगे 2 की टेबल ही रिपीट होगी। नाउ हिस्टोग्राम ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं वो भी सीख लेते हैं। फर्स्ट क्लास इंटरवल है 0 to 10, फ्रीक्वेंसी है 3, बार की विथ होगी 0 से 10 तक और हाइट होगी 3 तक। 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी हाइट होगी 3 तक। 10 से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी हाइट लेनी है हमें 3 तक। 2 और 4 के बिल्कुल सेंटर में होगा 3, इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमारा एक बार बन गया है। क्लास इंटरवल है 0 to 10 और फ्रीक्वेंसी है 3। नेक्स्ट इज 10 to 20, फ्रीक्वेंसी है 8। 10 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी हाइट होगी 8 तक। 20 से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हाइट लेनी है हमें 8 तक, इनको ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से सेकेंड बार भी बन गया है। क्लास इंटरवल है 10 to 20 और फ्रीक्वेंसी है 8। नाउ थर्ड इज 20 to 30 और फ्रीक्वेंसी है 14। 20 से लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी हाइट होगी 14 तक। 30 से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी हाइट होगी 14 तक, फिर इन लाइंस को ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से थर्ड बार बन गया है। यहाँ क्लास इंटरवल है 20 to 30 और फ्रीक्वेंसी है 14। नेक्स्ट इज 30 to 40, फ्रीक्वेंसी है 9। 30 से लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी हाइट होगी 9 तक। 40 से भी लाइन ड्रॉ करेंगे, 9 कहाँ होगा? 8 और 10 के बिल्कुल बीच में 9 होगा, यहां पर, यहां इन लाइंस को ज्वाइन कर देंगे।
यहाँ फ्रीक्वेंसी है 9. नेक्स्ट इज 40 to 50 और फ्रीक्वेंसी है 6. 40 से लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी हाइट होगी 6 तक, 50 से भी लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों को ज्वाइन कर देंगे. तो ये लास्ट बार था हमारा जिसका क्लास इंटरवल है 40 to 50 और फ्रीक्वेंसी है 6. तो इसी तरह से हम हिस्टोग्राम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं. हिस्टोग्राम के लिए एक पॉइंट हाईलाइटेड है, बार्स ऑफ इक्वल विद नो गैप्स इन बिटवीन. जब भी आप हिस्टोग्राम बनाओगे आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, सारे बार्स की विद इक्वल होनी चाहिए और बार्स के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए. अगर बार्स के बीच में गैप हो जाता है तो वो बार डायग्राम बन जाएगा, हिस्टोग्राम नहीं रहेगा. अगर हिस्टोग्राम बनाना है तो बार्स के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए और सारे बार्स की विद इक्वल होनी चाहिए. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट हिस्टोग्राम. एंड आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे जो इन्हीं सब टॉपिक्स पे बेस है. और इंट्रोडक्शन के बाकी टॉपिक्स हम 5.1 के बाद करेंगे क्योंकि वो टॉपिक्स आगे की एक्सरसाइज के लिए 5.1 में उनका कोई यूज नहीं है. ओके? इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी इन एनी टॉपिक यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक टूडेज वीडियो. योर सपोर्ट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. बाय बाय, टेक केयर.